बुधवार की रात हल्का निहाल सिंह वाला के गांव मनुके के सरपंच बेन सिंह की उसके तीन साथियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मोगा पुलिस ने बेन सिंह पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को हथियार सहित काबू कर लिया है, लेकिन अभी उसके दो साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिसे पुलिस जल्दी पकड़ने का दावा कर रही है। 5-6 की दरमियानी रात को जो गाँव मनुके में मर्डर होया सीगा, उदे ते तुरंत हरकत में आके असी उन्हों जड़ा केस की इन्वेस्टिगेशन करके असी जड़ा मेन अक्यूज्ड है रजिंदर कुमार उर्फ गोगा उन्हों गिरफ्तार कर दिता गया। तो जड़ा वैपन ऑफ अफेंस है उस मर्डर के जो कि डबल बैरल गन सीगी उन्हों असी कब्जा पुलिस विच लै लिता है। रीज़न इनका जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और उसकी इंटरोगेशन जो थोड़ी अभी हम उसका पुलिस रिमांड लेंगे, गहन जाँच चल रही है इसके बारे में, जो आया वो सामने ये आया कि जिहड़ी इन्हां दे पिंड दे विच जिहड़ी इन्हां दी आपस विच खहबाजियां जां कोई रिवेलरीज हुंदियां पिंडां दे विच छोटी मोटी गल्लां तों। इस बात की जानकारी आज एसएसपी मोगा संदीप गोयल ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। जागती लहर के लिए मोगा से सूरज मित्तल की रिपोर्ट।